lights so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। दिस इज़ वेरी इजी रेसिपी विद सिंपल इंग्रेडिएंट्स हम बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप चीनी, कुछ इलायची के दाने, 1.5 कप पानी शीरा बनाने के लिए और 1 चम्मच केवड़ा। अगर आपके पास केवड़ा नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए। डो बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप मिल्क पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टीस्पून सूजी सेमोलिना या रवा, 1/2 टीस्पून कार्डिमम पाउडर इलायची पाउडर एंड 2 टीस्पून घी या बटर। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 4 टीस्पून लिक्विड मिल्क, जिसमें से 2 टीस्पून हम सूजी में ऐड करेंगे एक पेस्ट बनाने के लिए। हम इसको सोक करेंगे फॉर 10 मिनट्स। शीरा बनाने के लिए हमने 1.5 कप पानी को पैन में डाला है और उसी कप से हमने 1 कप शुगर मैजर करके उसको इसके अंदर ऐड कर दिया और कुछ इलायची के दाने भी इसमें शामिल कर दिए। इसको हम बॉईल करेंगे कुछ टाइम के लिए कि चीनी अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाए, लेकिन हमने इसका तार वाला शीरा नहीं बनाना है। सिर्फ इतना वेट करना है कि शुगर जो है वो अच्छी तरह से पानी में डिसॉल्व हो जाए और इलायची का टेस्ट और इसकी स्मेल जो है वो पानी में आ जाए। जब ये बॉयल पे आ जाएगा तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून रोज़ वाटर या केवड़ा एसेंस आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसको मैं अभी मिक्स कर रही हूँ इसके अंदर। सिर्फ हमने ये चेक करना है कि चीनी के सारे दाने अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। हमारा शीरा तैयार हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम इसका स्टोव को ऑफ कर देंगे। अब डो बनाने के लिए हमने 1 कप मिल्क पाउडर के अंदर 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया, उसके बाद 2 टीस्पून घी और इलायची का पाउडर जो हमने डाला था वो इसके अंदर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। पहले बेहतर है कि आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें, जिसमें मिल्क पाउडर है, इलायची पाउडर है और बेकिंग पाउडर है। इन 3 चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर जो हमने पेस्ट बनाया था सूजी और 2 टीस्पून मिल्क लिक्विड मिल्क का, वो हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रही हूँ, 1 कप मिल्क, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि ये हर जगह पे मिक्स हो जाए बेकिंग पाउडर इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर 2 टीस्पून घी जो है वो ऐड करूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हाथ से आपने इसको अच्छी तरह से क्रम्बल कर लेना है कि सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर घी मिक्स हो जाए। अपनी फिंगर्स के साथ आप इसको अच्छी तरह से ऐसे मूव करेंगे तो ये इवनली सब में मिक्स हो जाएगा। अच्छी तरह से ये देखें, ऐसे आपने क्रम्बल करना है, अपने फिंगर्स के साथ इसको चेक कर लेना है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है ताकि सारा जो आपका बेकिंग पाउडर है और घी है सारे मिल्क पाउडर के अंदर मिक्स हो जाए। अब आप जो सेमोलिना सूजी का मिक्सचर जो हमने 2 टीस्पून मिल्क के साथ बनाया था
उसके अंदर हमने सोक किया था, तो कुछ टाइम के बाद सूजी जो है वो दूध को एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, तो एक पेस्ट आपके पास आ जाएगा, आपने वो इसके अंदर ऐड करके इसको मिक्स करना है। और 2 टीस्पून मिल्क हमारे पास रह गया था बाकी, उसके साथ हम इसको गूंद लेंगे। हो सकता है कि एग्जैक्ट सारा मिल्क आप यूज़ ना कर पाएँ, वो जल्दी आपकी डो बन जाए। अपनी डो इस तरह की बनानी है कि बहुत ज़्यादा स्टिकी ना हो, मतलब कि वो खुद बोल को छोड़ के एक पूरे बॉल की शेप में आपके हाथ में आ जाएगी। अच्छी तरह से आप इसको थोड़ा सा टाइम देके अच्छी तरह से आप इसको मल लें। अभी मैंने बॉल्स बना ली हैं उसी डो के साथ, अबाउट 21 बॉल्स बन गई हैं गुलाब जामुन। फ्राइंग के लिए हमने घी यूज़ करना है, हम ऑयल में नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑयल से वो टेस्ट नहीं आता है। इसको मीडियम फ्लेम पे आपने हीट करना है ताकि ये मेल्ट हो जाए, और फिर मीडियम फ्लेम पर ही आपने इसके अंदर सारी बॉल्स जो हैं वो वन बाय वन डाल देनी है। लो टू मीडियम फ्लेम आपका रहेगा थ्रू आउट दिस फ्राइंग, तब कि ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे। आप इसको रोल करते रहिएगा बॉल्स को ताकि हर साइड से इसका कलर जो है वो इवन आ जाए। फ्लेम आप बिल्कुल भी हाई मत कीजिएगा, लो टू मीडियम फ्लेम ही रखिएगा और इस तरह से रोल करते रहिएगा अपने स्पून के साथ ताकि हर साइड से सेम आ जाए। अब मैं इनको निकाल रही हूँ, ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको वार्म नीम गरम शीरे के अंदर डाल दूंगी। अच्छी तरह से इनका घी निकाल कर हम इसको नीम गरम शीरे के अंदर उसी टाइम पर ही डाल देंगे। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेंगे, अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे, ना इसमें कोई गुठली बनेंगी अगर आप रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करेंगे। अबाउट 21 गुलाब जामुन, 21 गुलाब जामुन आप 1 कप मिल्क पाउडर से बना सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ये मैंने एवरीडे यूज़ नहीं किया है, ये मैंने दूसरा मिल्क पाउडर यूज़ किया है। आप डीडो यूज़ कर सकते हैं मगर एवरीडे से उस तरह का टेक्सचर आपके पास नहीं आएगा। अब इनको थोड़ी देर के लिए आप शुगर सिरप में डिप रहने दें, उसके बाद आप सर्व करने के लिए कुछ मिनट्स के बाद आप इसको शुगर सिरप से निकाल सकते हैं। आप इसको सिरप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब मैं इनको अपनी सर्विंग डिश में निकालने लगी हूँ। ये देखिए बहुत इजी रेसिपी है, ये आराम से बन जाएंगे सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि अंदर इसके कोई गुठली नहीं है, ये बहुत ही सॉफ्ट हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट और यमी है। ये कुछ टिप्स जो आपने फॉलो करनी है, हमेशा इसके लिए आप घी यूज़ कीजिएगा, डो आपकी बिल्कुल भी स्टिकी ना हो, बॉल्स में क्रैक ना हो जब भी आप बॉल्स